तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया था और अभी जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर, क्योंकि ना मेरे को तकलीफ हो रही है इसमें। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पके मत, देखते हैं। तो ये पाउडर लेने आया हूँ, मतलब इसको ऐसे ही सूखा लगा लेना है ना जी, थोड़ा सा तेल मिला। कौन सा तेल? सरसों तेल की वो नारियल तेल? नारियल तेल से लगाएंगे। हाँ नारियल तेल है, दे दीजिए ना पाउच छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मत दीजिएगा कि बाल में लगाना है, खाली पैर में लगाना है। नहीं होगा। ये कितने का है? कैसे मिठू? मिठू कैसे? बोलो बोलो, बहुत दिन बाद आए हो, बोलो बोलो मिठू, बोलो जल्दी। अच्छा आए, अरे डर के रे, आओ। ए पगला, नहीं नहीं मेरा दोस्त तू, मिठू आओ। हाँ बेटा। और दोस्तों क्या हाल चाल, समझता है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वही पाउडर ले आया था, यही पैर में लगा दिया हूँ थोड़ा सा। सेरू सर हटिए हटिए, चलिए। टिटी गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ी आ रहा है। अरे शाबाश, चलो नेल। आज भाई साहब फिर से अपने कार्य करते हुए बोलते हैं, सुबह सुबह क्यों नहीं करते भैया, धूप हो गया तब आप स्टार्ट करते हैं। 8 बजे उठे हैं, 9 बजे, 2 ही घंटा तो लिए हैं। अच्छा मतलब आज भी 8 बजे उठते हैं, दिक्कत वो है ना। तो हमारे लिए अभी सुबह ही है। शेरू को देखिए आप, घर उजाड़ दे रहे हैं, पूरा बालू में सोता था ये। अब मिट्टी में सोएगा। चलो अनिल, अनिल ये देखिए एक्सीडेंट करवा दिया हूँ मैं, ये ओपलर मच जाए ठेला। चलिए 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 चलिए, असुविधा के लिए खेद है। नहीं नहीं, आप कार्यरत रहिए अपने कार्य में, ये कार्य हमारे लिए ही हो रहा है। छोटा सा खेद है। ठीक है धन्यवाद, जाइए। इंग्लिश बोलिए तो। जल्द ही आपको एक नई सड़क का उद्घाटन किया जाएगा। वे किसके अंडर में हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री? समाज सेवा, समाज सेवा के अंडर में। ये देखिए फंस गया ठेला, निकाल आराम से। ये देखो मीठा चटनी भूल गया मैं, और दही का डब्बा, मीठा भी और दही भी आज भूल ही गया मैं तो। सही में बोलूं खाली खाली जगह में लग रहा था हल्का सा। ले चलो। अरे वाह, देखो ये बोने लगा, बोनी हो गया तुरंत। हाँ आंटी जी खिलाओ फुल्की। योगेश किस चक्कर में था कि कोई बोहनी करवाए? आकांक्षा मिल गई बोहनी कराने के लिए। 20 रुपए का ना? मेरे पास 10 रुपए का। 10 रुपए मेरे पास वापस करने के लिए नहीं है। मैं खुला गला क्या कर रही हूँ? खुला गला क्या रही है? जल्दी आना ना, पहले तेरे को खिलाऊंगा उसके बाद ही इन लोगों को खिलाऊंगा। कहो कहो मोटी मोटी छोटी 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 मोटी छोटी। आकांक्षा आज अपने तरफ से खिला रही है सभी को। हाँ इसके बर्थडे के दिन, इसके बर्थडे के दिन खिलाएगी। जय हो लक्ष्मी माता, आकांक्षा की जय हो। कितना बहनी के भैया दिखाओ? 10 रुपए बस। 10 रुपए के साथ बहनी कराएगी? हाँ उस दिन का पैसा दी। हाँ खुशबू का दी है 10 रुपए उस दिन का। ये लो मोदी जी हो गया। आकांक्षा सूखा चाहिए मीठा चाहिए? सूखा ना मीठा। अभी तक कांचा खा ही नहीं पाए, उसके पूरा भरा हुआ है। देखो मीठा हो गया, जाओ घर जाओ। देख लो मीठा भी उसी में डाल दिए। अरे शक्कर डाल देना मीठा में। ले बेटा तू भी जा। बाय 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 काका। चलो दो मेरा कपड़ा दो। आओ योगेश कुमार, कहाँ पकड़ा था इसको? आओ तुम भी नंबर में लोगो। और मेरे भाई के गाड़ी के तेल खत्म होते हुए यहाँ पे योगेश को फोन कर गया मेरे भाई। पूरा सूरजपुर में सिगरेट नहीं मिलता है। तो डब्बा खाई जाएगा, रोज नहीं आना पड़ेगा। कितना 20 रुपए कर दूं? मत पियो यहाँ, मत पियो, तकलीफ होता किसी को तो। यहाँ पर दुकान लगा लीजिए ऐसा करके। मैं बोल रहा था पूरा सूरजपुर में सिगरेट नहीं मिलता है तुम लोग को। वो तो हर जगह मिलता है, जहाँ मन करे वहाँ लेंगे। तो यहीं बैठ के पी लेते, फिर कहाँ जा रहे हो बिना पिए? तो जा रहे हैं। तो यहीं बैठ के पी लो खड़ा होके। हम लोग मन कहीं नहीं पिए, आप बोलोगे? नहीं बोल सकता मैं। अब हम लोग यहीं आते हैं, हम लोग इधर ही कंप्यूटर क्लास करते हैं। अरे हाँ तो मैं भी वहीं दुकान लगाता हूँ। मैं कुछ गलत थोड़ी बोला यार, मैं थोड़ी बोला मैं कुछ को तुम। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोला कि तुम लोग गाड़ी रोके हैं लड़ने लगोगे मेरे से।
तो मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ तुम लोग से, तमीज दिख रहा है ना बात, कौन लड़ने आया कि नहीं, शांति से जाओ यहाँ से। मोहल्ले में आया और होशियारी दिखा रहे बिना मतलब का। अगला भी यही बोला कि कोई कॉल नहीं आया था, इसके बाद कॉल आया ना एलजी के यहाँ घुस के मारूंगा। फोन आ रहा है, प्यूटा प्यूटा। ए चुप चुप। हेलो हाँ भैया, कौन? आज दिमाग खराब हो गया हम लोग का। चार पांच बार योगेश के पास कॉल आ चुका, अभी दो दो अलग अलग नंबर से, और कुछ स्कूल के बच्चे लोग थे जो कि मेरे से लड़ने आए थे, मारने आए थे। मैं सब गुपचुप खाने के लिए आए हैं। नहीं योगेश, अगर मेरे को मारेंगे उधर छेक के तो कैसे करूंगा मैं? अरे है ना, हम लोग इतने सारे सब्सक्राइबर क्यों किए हैं, सब आ जाएंगे भाई लोग। अरे नहीं 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 नहीं, लेट हो गया, 12:30 बज गया। मैं उन लोग से ये बोला कि तुम लोग यहाँ से सिगरेट पीने क्यों आते हो? मैं ठेला के पास आए, मैं खाएंगे, बोलते हैं बताइए क्या बोल रहा था आपको, क्या दिक्कत है, हम लोग कहीं से भी कहीं भी पिए। मैं बोला ठीक है भाई। अब वहाँ गुरुजी की आंटी भी खड़ी थी, सॉरी मम्मी भी खड़ी थी, तो उनके सामने सिगरेट पी रहे थे, तो मना भी की चलो भागो भागो यहाँ से। अरे यार, मैं एक एलजी का ले लिया, यहाँ परेशान करके रख दिए एलजी कस्टमर केयर वाले चार एक सप्ताह से। क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन करते हैं? अरे रोज दिन कंफर्मेशन के लिए कॉल आ रहा है, बता है यार, उनका यही बोलना रहता है ये लास्ट कॉल, लेकिन तुरंत अगला कॉल आ जाता है। काटने के बाद तुरंत कॉल आ रहा है। ठीक है योगेश, ठीक है भैया, मिलते हैं शाम को। खुला दीजिए, खुले नहीं है अभी, आप बोले समझ लेके आ रहा हूँ अभी। तो तेरा जुबान क्या बोला? हट। मैं क्या बोला? तो कह दूंगा मैं, अब दीजिए ना, दीजिए ना, अब नहीं दूंगा तेरे को। तो मोटा कह रहा है यार, रखा हूँ दीजिए ना, नहीं दूंगा भगवान के साथ। हट कैसे बोला अभी मेरे को? नहीं देंगे, आपको नहीं बोला, सॉरी, दे दीजिए ना, दे देता हूँ, गरीब समझ गए। दोपहर के 3 बज गए हैं और काफी अच्छी बिक्री थी आज, आज बाजार है, मतलब आज लग भी रहा कि बाजार है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं भी। क्या खाओगे भैया? दोना पकड़े खड़े हैं आप, दोना देख रहे हो, दोना कैसे कैसे दोना आता है ये देखिए। दोना कहाँ गया, दोना कहाँ गया, ये लीजिए। क्या बोल रहे हैं? बड़ा जल्दी माल खत्म कर दे। बड़ा जल्दी कहाँ है, 5:30 बज गया, 6 बजने वाला है, सेवा समाप्त हो गया। कै बजे आ रहे? कौन मैं? 12 बजे आता हूँ। तो शाम को 5:30 बजने वाले हैं और चाचा आ गए हैं और मैं निकलता हूँ घर। तो अभी मैं चौपाटी गया था भूंजा लेने, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गर्म भूंजा इतना सारा था, ये पन्नी पिघल गई और पूरा नीचे बिगड़ गया, थोड़ा सा बचा है बस। सही बता रहा हूँ, इतना गर्म है ना कि हाथ भी चल रहा है। अरे वाह, ऑडी पॉडी। ए बिरयानी वाले भैया, डॉक्टर मना किया है मेरे को खाने के लिए, बोल 1 महीने तक नॉनवेज मत खाइएगा, ये अच्छा दिख रहे हैं आप। यही भूंजा भूंजवाया, सुनिए तो खा लूं। हाँ खा लीजिए, पर सब्सक्राइबर लोग गाली देने लगे। नहीं नहीं नहीं, हम भी सब्सक्राइबर हैं अगर भैया, आप भी खा लीजिए। अरे हो गया, खा लीजिए। एक लाख की खुशी में दे रहा है ये। नहीं इतना छोटा नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, चलना जाएगी ना राकेश भैया के दम पे। मैं इतना गौरव से बोल रहा था। हो गया, खा लिए बस। तो दोस्तों छह लेके आ गया हूँ अभी, और यहीं पर बैठा हुआ हूँ, वही अपनी चोट दिख रहा था, ये पता नहीं एकदम सूख गई है, देखो ना कैसे हो गई एकदम। जूम हो जाओ, देखो काफ़ी गंदी दिखती है ना, लेकिन क्या करें भाई, मतलब धूल धक्कड़ लगते रहता है वहाँ पे, चप्पल पहनता हूँ इसीलिए मेरे पैर भी गंदा। अगर आप लोग मन में ये सोचते होंगे कि अगर मेरे को चोट लगी है, चप्पल भी नहीं पहन पा रहा था, अगर मेरे को चोट लगी है पैर में तो मैं आराम क्यों नहीं करता, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सॉरी। इसका मेरे पास भाई साहब कोई जवाब नहीं है, थोड़ा मोड़ा लगते रहता है, ठेला आगे करूं तो बाइक निकालूं अपनी। एक चीज़ बोल रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं बाजार टमाटर लेने, प्याज लेने, तो रास्ते में मेरे दोस्त मेरे को मिल जाएंगे, तो उनको बिठा लूंगा, इसी बहाने मेरे दोस्तों के साथ घूमना हो जाता है। एक मिनट ना, आइए भैया, सीट पोस दिया हूं। आप रिंकू भी है क्या? हाँ पोस दिया, सीट पोस दिया। अंकल जी बोल रहे हैं मेरे को जमीन उमीन लेना है, तो मैं अंकल जी से बोला पैसा नहीं है, तो बोलते हैं तुम्हारा पैसा तो फोन में आया था वीडियो बनाने से। ये भी बच्चे देगी शायद ना, ये कब का बना हुआ है ये रंगोली? एकादशी कब था?
परसों से शायद कब था एकादशी? तीन चार दिन हो गया, ज्यादा हो गया। बाप रे, शुक्रवार का है। हाँ 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 हाँ, चार तारीख को था ना। आज नौ पांचवा दिन है, बताइए। मैं सोचा दिवाली से बना हुआ है और अभी तक खराब नहीं हुआ है। लोग खराब नहीं करते हैं, यही लोग तो कुछ कुछ को कहीं कहीं पे को किए हैं। बाकी देखिए कितना अच्छा बना है। यही बैठ के वो वाला को खराब किया, वही गुड़िया बनाई थी वहाँ पे बैठे थे तो खराब किया था। अच्छा बना है। तो बाजार हम जा रहे हैं, मैं और योगेश जा रहे हैं बाजार। ठीक है ठीक है, खिलाएंगे बोले। ठीक है ना, बिल्कुल दो टा खिलाना भाई इसको। आप भी खाएंगे? नहीं नहीं आप लोग खाओ। तो दोस्तों अभी मैं घर आ गया था और मैं बना रहा हूँ अभी अंडा का भुजिया। तो लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी थी। अब मैं प्याज डाल देता हूँ, ये प्याज डाल दिया। तो प्याज लाल हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद टमाटर डाल दूंगा। टमाटर थोड़ा मोड़ा जा चुका है तो अभी पूरा टमाटर को डाल देता हूँ और उसके बाद हल्का सा, उसके बाद इतना नमक डाल देते हैं। बाद में नमक कम पड़ेगा दोस्तों तो डाल देंगे ऊपर से। ये नमक डालने से क्या होता है ना कि ये टमाटर जो है ना ये गल जाएगा अच्छी तरीके से। रोटी बना रही है और यहाँ पे मैं अंडा का भुर्जी बना दिया, आज मजा आ जाएगा। पलटा दे, ये लो। ऑमलेट भी बना रही है, क्या खाना बताओ? ऑमलेट और भुर्जी का है? बताओ ना का है? टमाटर नहीं खाएगा बोलता है। थोड़ा ज्यादा खाऊंगा ना मैं। वो अपना दो अंडा पहले निकाल चुका ना, उसके लिए बना ही नहीं है। ऐसा क्या? अरे क्या लग रहे हैं? क्या खाएंगे आप जल्दी बताइए, खाएंगे योगेश? अरे पूछ क्यों रहे हैं सर, तो नहीं खाएंगे भाई। एक तो एक तो रोल, एक तो मोबाइल पकड़। ये रोटी घी लगा हुआ मस्त गर्म गर्म रोटी, आई मतलब रोल बना देता हूँ। अच्छा एक चीज तो बताइए भैया, वैसे मेरे को एक मिलेगा कि इसके बाद भी चांस एक है? एक ही मिलेगा भाई, बस एकदम। मैं तेरे को बोला तो ठंडा लेके आ, तू बोलता है पैसा नहीं मेरे पास। दिखाई भैया इधर इधर, चलो ठीक है। एक रोल खाओ। थोड़ा थोड़ा गिर गया इधर उधर। अरे हो गया खाना भाई, सॉस कौन लगाएगा उसमें? सॉस नहीं है सर मेरे पास तो भाई। इतना देखो ये आ गए मेरे हाथों में, मेरी मम्मी इतना घी लगा देती है। और सॉस देखो मेरे पापा सॉस दे रहे हैं, जाओ सही में सॉस ले लो भाई। सॉस लगा, सॉस लगाना, लगाना उसमें दो रोज लगाना। चिली सॉस? चिली सॉस नहीं सर, फ्रेश टमाटो सॉस है किसान का। हल्का ना, हल्का बस 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 बस, ढक्कन लगा के मेरे पापा को दे दे वापस। चिली सॉस भी हो जाता ना? चिली सॉस भी है, पत्ता गोभी। एक मिनट, जो तू कल 900 चिली सॉस है मैं नहीं, मेरे फ्रिज में जो तू पत्ता गोभी लेके आ 490 ले योगेश, चिली सॉस पत्ता गोभी 490 ग्राम वाला, 490 ग्राम वाला कल लाया ना 490 ग्राम। डालू इसको भी? नहीं नहीं हो जाएगा, रोटी इसको बाद में रखता हूँ। ये देख रोटी और मिल गया, तो चलिए इसको खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना पीना खा लिए और उसके बाद थोड़ी मोड़ी बातचीत किए, वो दोनों चले गए। अब मैं भी जा रहा हूँ मतलब सोने के लिए। और वो जो भी सीन हुआ था उस टाइम पे आकांक्षा को जब और योगेश लोग थे, हो गया टोन, बच्चे लोग थे, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और व्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।